बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो मिनट की बात, दो कतरों का साथ, इस उन्वान से हमारी नशिस्त जारी है। जनाब क़िबला मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला, बहुत शुक्रिया। आज का सवाल बड़ा सादा लेकिन बहुत अहम है। जब हम बार बार लोगों को पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से तरगीब दिला रहे हैं तो जहन में आता होगा लोगों के कि आलम इस्लाम में मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या राय दी है, उस राय का खुलासा बताइएगा। आलम दीन वही होगा जो खतरात से बचने, नुकसान से बचने और सही को इख्तियार करने की रहनुमाई करेगा। हर बीमारी में अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, दवा भी इख्तियार करते हैं। तो उलमाए किराम ने मजमूई तौर पर दुनिया भर में ये बताया है कि ये हिफाजत के लिए ज़रूरी है, जिसको आप पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ताकि बच्चे को तवाना रखा जा सके, मुआशरे का सही हिस्सा बन सके। तो उलमाए किराम की मजमूई तौर पर यही राय है कि ये पोलियो वैक्सीन ना इसमें कोई हराम चीज़ है, ना इसमें नापाक चीज़ है, बल्कि ये सेहत से रखने के लिए ज़रूरी, नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, गोया क़िबला ने बहस ही ख़त्म कर दी। यानी कि आप देखिए कि मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उलमा कौंसिल इंडोनेशिया, इमाम बैतुल मक़दस और पाकिस्तान के तमाम मसालिक के नामर उलमा कराम इस बारे में वाज़ेह राय, यहाँ तक के फतवा दे चुके हैं। तो अभी बहस ही ख़त्म हो गई कि यह अमल ठीक है या ठीक नहीं है। तो आइए आज अभी इसी वक्त इस बात का अहद करें कि अपने बच्चों को दीगर बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकों के साथ साथ पोलियो से बचाव के दो कतरे ज़रूर ज़रूर पिलाएंगे। इसलिए कि हम सब ने फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।